वेलकम बैक। सबसे पहले पाकिस्तान आप देख रहे हैं और कल हमने मतलब है कि आखिरी गेंद तक हमने लटक लटक के जो मैच देखा वो फाइनली हमने जीत लिया। हाय हाय, हमने ऐसा मैच फंसाया कि कोई और टीम होती तो वो पहले ही जीत जाती, वो फंसाती ना। हम आखिरी गेंद तक माशाल्लाह से लेके गए, हमारी पूरी कोशिश थी कि सुपर ओवर ही आ जाए। हाँ। लेकिन वो खैर बचत होगी थोड़ी सी हमारी, वो वाइड बॉल बहुत बाहर फेंक दिया तो मैच कम और कोई ना वो सस्पेंस वाला ड्रामा हाँ। ज्यादा लग रहा था जिसके बीच में साउंड की म्यूजिक हाँ। वो जो है ना वो उसकी कमी थी सर, वरना वो लवाजमात बिल्कुल पूरे थे। आपने जो है पहली गेंद पे आउट हो गए, चार गेंदे आपने बीट कर दी। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा इकबाल बेग साहब अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर। सर कैसा मैच आपको लगा, हमने कितनी मुश्किल से मैच जो है वो मुश्किल किया, बड़ी फिल्मी कामयाबी हमारी। जी वालेकुम अस्सलाम फरा और हमदा। बिल्कुल इस तरह का जो मैच होता है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का तो ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा होता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम पर अगर कैमरा जा रहा था तो मिसबाउलक और वकार यूनुस की जो हालत थी वो देखने वाली थी। और वाकई में क्रिकेट वॉज एट इट्स बेस्ट और हमारी टीम दुनिया की एक ऐसी टीम है जो इस तरह के मुकाबलों को सनसनीखेज बनाने में बड़ी महारत रखती है। और पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 2005 में यानी कि 16 साल पहले कोई मैच आखिरी गेंद पर जीता था भारत के खिलाफ, तो 16 साल के बाद उसी तरह का ड्रामा जो है वो कल हमें देखने को मिला स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बैटिंग जो है फरा वो अभी भी वल्नरेबल है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग वल्नरेबल है। बाबर आजम पर हम कब तक इनहिसार करते रहेंगे, बकिया 11 खिलाड़ी भी हैं टीम के, बाकी खिलाड़ियों को भी परफॉर्म करना है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बआसानी जीत सकता था जब 186 पर एक खिलाड़ी आउट था, लेकिन फिर ड्रामा हुआ और जिस तरह से हमजा भी बता रहे थे कि जिस तरह से वो सारी तब्दीलियां हुई उससे लोगों का ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा। अच्छा, मुझे बताइएगा मिर्जा साहब, आपको समझ में आया है कि आसिफ अली जो है वो शादाब खान से पहले क्यों बैटिंग कर रहे हैं लोअर मिडिल ऑर्डर की, अगर हम बात करें वहां पे क्यों हमें क्राइसिस जो है वो अब, यानी अगर इमाम के 50 और बाबर आजम की सेंचुरी के बावजूद इन्होंने लुढ़कते रहना है तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। देखें पसंद और नापसंद भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है और क्रिकेट इतना जालिम खेल है कि जिसमें गिमिक्स होते हैं कि अपने मंजूर नज़र खिलाड़ी को अगर आपने बनाना है आप उसको मौके देते रहें। जिस तरह इफ्तिखार अहमद को मिसबाउलक के साथ ब्रैकेट किया जाता था माजी में, इसी तरीके से आसिफ अली भी, मिसबाउलक भी आसिफ अली के मेंटोर हैं। और मुझे याद है 2012 में आसिफ अली ने फैसलाबाद की जानिब से अपना T20 डेब्यू किया था, उस वक्त मिसबा कप्तान थे और पहली मैच में आसिफ ने सेंचुरी स्कोर की। लेकिन एक खिलाड़ी को आप मुसलसल मौके देते रहें वो फेल हो जाए उसके बावजूद, मेरी समझ में नहीं आता ये पसंद ना पसंद पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पर ले जाएगी जब तक मेरिट का कत्लेआम आप करते रहेंगे। आप सही कह रही हैं फरा, आसिफ अली को इन्होंने खिलाया, शादाब खान का भी आपने बात की, शादाब खान की जो बेसिक है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, उनकी बॉलिंग तो हमजा चल ही नहीं रही, वो अनफिट थे। जिस तरीके से कल भी उन्होंने 8 ओवर्स में 45 रन दिए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी पाकिस्तानी टीम में बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी तब्दीलियों की जरूरत है। अब ये उनको कौन बताए कि किस तरीके से तब्दीलियां की जाए। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, मिडिल ऑर्डर तो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, हमारा प्लेइंग 11 जो एक हमने बनाया वो ठीक था आपको लगता है? फखर जमान की ओपनिंग से हम शुरू करते हैं, दानिश के अंदर क्या हमने बॉलिंग के अंदर तो वैसा कुछ भी नहीं देखा जो हम सुन भी रहे थे और पाकिस्तान में देख भी रहे थे? हमजा दानिश बेसिकली जो है वो बैट्समैन है, बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग कम करता है, यंग प्लेयर है। आप उसको कैरी कर रहे थे, न्यूजीलैंड ले गए, साउथ अफ्रीका की सीरीज में था, लेकिन उसको आपने खिलाया नहीं, अब आपने उसको मौका दिया। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में तजुर्बे की कमी है। बाद लोग ये ओपिनियन दे रहे थे कि सरफराज अहमद जो 113 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाते, कहीं हर्फे आखिर तो नहीं है कि 2 विकेटकीपर नहीं खेल सकते? साउथ अफ्रीका की टीम में कल 2 विकेटकीपर खेले, क्विंटन डिकॉक विकेटकीपर थे और हेनरिक क्लार्सन एज अ बैट्समैन खेले। लेकिन हमारे यहाँ मंतकी निराली है, हम तजुर्बे के बजाय बस अपने अपने तजुर्बात करते रहते हैं जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अच्छा ये इस दफा तो लक फैक्टर भी हमारे साथ रहा कि चले बेहतर डिसीजन हम कह सकते हैं बाबर आजम का कि उन्होंने पहले जो है वो डिसीजन बेहतर ले लिया, लेकिन क्या अगले मैच में ये लक फैक्टर हमारे साथ होगा और इतनी सनसनीखेजी के साथ आखिरी गेंद पे हम जो है मैच जीतने की तवक्को और उम्मीद रखें, या आप समझते हैं कि अच्छा स्टार्ट हो गया अगला मैच भी कंफर्टेबल रहेंगे हम?
नहीं कंफर्टेबल नहीं होगा फरा अभी, क्योंकि उनका ये दो मैचेस के बाद उनके जो मेन प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका के, वो 9 अप्रैल से जो आईपीएल शुरू हो रही है भारत चले जाएंगे, दूसरा मैच वो कल जो जोहान्सबर्ग पे वो खेलेंगे। लेकिन आप देखें कि हमने 55 पे 4 खिलाड़ी उनके आउट कर दिए और फिर वहां से 273 रन हमने करवा दिए, तो खामियां तो हैं, ये तो किस्मत की देवी भी कल मैं कहूंगा हम पर मेहरबान थी, कैच ड्रॉप हुए, रन आउट मिस हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन कहते हैं कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो बहादुरों की मदद भी की बहादुरी से, देखें फहीम अशरफ के हमजा गेंद भी लगी लेकिन वो बहादुराना अंदाज से विकेट पर खड़े रहे, तो बस देखें अब मुझे लगता है अगले मैच में साउथ अफ्रीका टफ टाइम देगा। ठीक है सर, बाबर आजम के हवाले से आखिर में बता दीजिएगा, बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, बेहतरीन बैटिंग की, लेकिन बाबर आजम से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वहां पर 30-40 रन और करेंगे, बाबर आजम हमेशा सेंचुरी करने के बाद जो है मायूस करते हैं और बहुत आसानी से आउट हो जाते हैं, कल भी आसानी से आउट हुए, कोई अच्छा बॉल नहीं था। ये बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया हमजा, बाबर आजम ने कल अपनी 13वीं सेंचुरी बनाई 76 इनिंग्स में, दुनिया में आज तक किसी बैट्समैन ने 76 इनिंग्स में 13 सेंचुरियां नहीं स्कोर की, इनके बाद आते हैं हाशिम आमला जिन्होंने 85 इनिंग्स में बनाई है, लेकिन बाबर आजम को फिनिश करना पड़ेगा। आपको याद होगा रावलपिंडी का वनडे मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहां भी बाबर आजम सेंचुरी करके आउट हो गए और पाकिस्तान सुपर ओवर में हार गया। एक अच्छे बैट्समैन की निशानी यही है कि जब तक वो फिनिश ना करे, नो डाउट बाबर आजम इज वन द लीडिंग बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड करंटली, लेकिन उनको फिनिश करना जरूरी होगा, रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अपना टारगेट 100 से और सेंचुरी से बढ़ाना होगा। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आप हमारे साथ उनसे बातचीत की। कुछ अब खेल की बात हो रही है, एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, तो कुछ तस्करा जो है वो म्यूजिक का भी हो जाए, बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक ऐसी खूबसूरत आवाज और अंदाज मौजूद है जो कि हमें नुसरत फतेह अली खान साहब की याद दिलाएगी। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि उनका उनसे शागिर्दी का रिश्ता है, रूहानी निस्बत है, लेकिन इन जो मसरूर फतेह अली खान साहब जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, इनके अंदाज में, इनकी आवाज़ में आपको ना सिर्फ नुसरत फतेह अली खान साहब की गायकी की झलक दिखाई देगी बल्कि उनका जो है ना उनकी अपनी भी मुझे तो झलक दिखाई देगी। बिल्कुल ऐसे ही है, देखने में भी। और हम वैसे बात करें, खान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी खान साहब, अब बाकियों का तो हम देखते हैं कि यूट्यूब रिलेशन बन जाता है खान साहब के, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ, कुछ रूहानी वो कहते हैं कि हमने सीखा है, आपने बाकायदा नुसरत फतेह अली खान साहब से सीखा है? जी जी बिल्कुल, मैं ड्यूरिंग स्टडी एफएससी में था, तो 1992 की बात है, तब मैं खान साहब के घर गया और खान साहब से मुलाकात हुई उस्ताद जी से, उन्होंने बड़ा प्यार किया और मेरी जो मेरा शौक़ था, मेरी लगन थी म्यूज़िक के साथ, वो देखकर उन्होंने कहा कि आप अपनी स्टडी को जारी रखें, तो मैंने प्रॉमिस किया कि उस्ताद जी खान साहब मैं इसको भी जारी रखूँगा और म्यूजिक को भी प्रॉपर तरीके से मैं सीखूंगा। तो फिर दोनों को जारी रखा? जी जी बिल्कुल जी। कहाँ कहाँ तक पहुँचे म्यूजिक में, तो हम अभी देख रहे हैं आपको, एजुकेशन जी जी। में कहाँ पहुँचे? एजुकेशन में फिर मैंने एमएससी कंप्लीट की अपनी मेटाफिजिक्स में, वेरी गुड, और उसके बाद फिर वो सिविल में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की डिग्री ली। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, तो फिर उसके साथ अब म्यूजिक में क्या गोल? म्यूजिक में ये है कि जहाँ मैंने, क्योंकि वो सारे ही खान साहब का अंदाज जो है वो अपना रहे हैं, गा रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा मैंने एक हट के काम किया है कि जब मेरी रिकॉर्डिंग हुई तो फिर मुझे वो एक प्राइवेट प्रोडक्शन थी, एक निजी चैनल था, उसने ओएसटी मेरा रिकॉर्ड किया, और जिसने रिकॉर्ड किया वो दुबई में, उन्होंने कहा कि आप क्वाली भी करें लेकिन आप बेसिकली प्लेबैक सिंगर हैं। अच्छा, आप जो हटके आपने काम, हाँ जी, हटके काम में हम सुनना चाहेंगे जी, तो वो सॉन्ग मैंने, मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ है जी। सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया, दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें कर तू दिल लगी की, सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। क्या बात
क्या बात है, खान साहब का कुछ सुनते हैं फरा, हम वैसे पहले सुन रहे थे, अब आपको भी सुनाते हैं कि जी कि वो किस तरह से आपके कान खड़े हो जाते हैं हमारे, प्लीज। हाँ सर, तो वो जो एक नोटेशन होती है जैसे वो खान साहब क्लासिकल करते थे, तो नोटेशन इसमें आप ही बहुत डिफिकल्ट है। हाँ जी, हाँ जी। पानी पानी रे सारे ने पानी सारे नी सारे का सारे का पारे का पानी का पानी नाने नाने नीजा पानी का पारे का परे नी नी सारे सारे का पानी पारे ओ रोग चरता मार मुकावे सुख दा कोई जाना आवे दुख ओ दे दे दिल विच डरे चारों पासे दिसन अनेरे दुनिया बिछड़े नहीं परवा गम खार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े एस तो डांडा दुख ना कोई एस तो डांडा दुख ना कोई प्यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े। सिर्फ सरगम नहीं, आप स्केल भी जो है ना वो टच करते हैं, ऐसी ये बड़ी खूबसूरत। तो प्रॉपर तरीके से फिर वो उस्ताद जी ने मुझे, ये बहुत कम लोगों को पता है कि खान साहब को इंग्लिश कॉर्ड याद थे जी जी, और वो मुझे नाम बता के उस्ताद जी ने कहा कि ये सी माइनर है, ये सी शार मेजर है, ये सस्पेंडर है, ये क्वेंटेड है। तो ये बहुत कम लोगों को पता था कि खान साहब को इंग्लिश काम याद है, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको किया है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बारे में मशहूर था कि सोते में भी उनकी जो है वो सुर चलता मूवमेंट होती थी, सुर चलता था उनके उसमें। कुछ और आपसे हम सुनना। अच्छा, मेरी एक फरमाइश है, मैं वो फरमाइश करना चाहूंगा, मैं पहले भी बात कर रहा था, इस्माइल दरबार साहब की गालिबन अरेंजमेंट है। हां जी, और गर्मा मोहे लागे मौसम जी जी बिल्कुल, वो कंपोजिशन थी, उसे हम रोत की स्टाइल कहते हैं राजस्थान। आपकी अपनी? हां जी, मेरी कंपोजिशन थी। मौसम सरमा में, मौसम सरमा में गर्मा मोहे लागे, मौसम सरमा में गर्मा मोहे लागे, मौसम सरमा में मैं बलमा को पास बुलाऊं, मैं बलमा को पास बुलाऊं दूर वो मुझसे भागे, मौसम सरमा में, मौसम सरमा में आए गर्मा मोहे लागे, मौसम सरमा में पानी सारे गासा, ये स्टाइल है इसका राग का, पानी सारे गासा पामा गारे गारे सानी, पानी सारे गासा मौसम सरमा में गर्मा मोहे लागे, मौसम सरमा में। मोहताज नहीं है हमारे अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी एक कंपोजिशन मैंने परिंदा एक नज़्म है वहाँ से मैंने ली है और उसको कंपोज खुद किया है, ये रिकॉर्ड भी हो गया माशाल्लाह, इसको हम लॉन्च करेंगे। तो ये एक सुनने वाली है परिंदे की फरियाद। राना आता है याद मुझको, आता है याद मुझको
गुजरा हुआ जमाना आता है याद मुझको, गुजरा हुआ जमाना वो बाग की बहारें वो सबका पहचाना आता है याद मुझको, गुजरा हुआ जमाना आता है याद मुझको, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, अपनी खुशी से आना। लगती है चोट दिल पर, शेर सुनने वाला मैम, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसू पर कलियों का मुस्कुराना, शबनम के आंसू पर कलियों का मुस्कुराना, वो बाग की बहारें वो सबका पहचाना आता है याद मुझको। वाह 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 वाह, जज़ाकअल्लाह। कितनी आसान नज़्म है और कितनी आसानी से जो आपने कंपोज करके जो है। और मुझे तो ना कोविड की सिचुएशन में बिल्कुल फिट लग रही है। ये सिर्फ उस परिंदे की फरियाद नहीं, हम सब परिंदों की भी यही फरियाद है, बिल्कुल याद मुझको गुजरा, बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह अल्लाह सब सही करेगा जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब गजल जी, जी बिल्कुल जी, प्लीज अगर गजल भी एक हमें अता कर दें। जी जी बिल्कुल, मैं जरूर जी। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। क्या बात है, शुक्रिया। थैंक यू मसरूर फतेह अली खान साहब, आप तशरीफ लाए, दिल तो बहुत चाहता और भी बहुत कुछ सुनने को, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए मसरूर फतेह। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।